हेलो लर्नर्स और हेलो प्यारे बच्चों लोग, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरिया एकेडमी में। और हम लोग इस समय क्लास 9th का मैटर इन अवर सराउंडिंग्स की स्टडी कर रहे हैं। जो भी कुछ हम लोगों को इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंस इन सॉलिड लिक्विड गैस, क्योंकि इन जनरल मैटर इन्हीं तीन नेचर्स में देखा जाता है। कल मैटर की जानकारी दी गई थी कि मैटर वो होते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जिनके पास जिनको हम लोग टच कर पाए, जिनको हम लोग फील कर पाए, जिनके पास मास हो, ये जिसके पास स्पेस हो, यही सब तो बात बताई थी। जो स्पेस को ऑक्यूपाइड करे उनको मैटर कहते हैं। तो मैटर भैया जी तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। जनरली में इन्हीं तीनों प्रकार से हम लोगों को स्टडी करनी होती है। तो जरा देखें, जरा सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फिगर के फॉर्म में समझेंगे तब फिर इनके पॉइंट्स को समझेंगे। देखिए जरा, जैसे अगर सॉलिड की बात करें बच्चा, तो इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, बहुत पास पास, एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। अगर लिक्विड की बात करें तो इनके बीच में थोड़ा सा आपको गैप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम गैस की बात करें, सॉरी लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में थोड़ा गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में, और गैस में तो बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। तो ये बातों को ध्यान में रखकर सारे के सारे जो भी चीजें हैं उनकी हम लोग स्टडी कर लेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनकी बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो उनके बीच के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। अभी आपको इस फिगर में समझ में आया होगा, देखिए कितने पास पास आपको दिखा दिया गया। इतने पास पास तभी तो होंगे जब इनमें बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसमें लिख रखा है, देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। मॉडरेट का मतलब बच्चे मीडियम होता है, मॉडरेट का मतलब मीडियम, मध्यम, जो भी आपको समझना हो समझिए। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और सॉलिड में तो बहुत ही कम होता है। यार पार्टिकल्स बड़े दूर दूर है, कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, समझ में आई बात। फिर आते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होने वाले स्पेस को इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या स्पेस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड्स में कितना होता है, मिनिमम। यहाँ पर आपको इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा दिख रहा है तो इसके बारे में लिख दिया कि मॉडरेट, और यहाँ तो बहुत दिख रहा है तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस में मैक्सिमम होता है। क्लियर हुआ। फिर आते थर्ड नंबर पर शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ भैया, देखिए शेप हमेशा सॉलिड का फिक्स्ड होता है। इसको अगर आप प्लास्टिक को इस शेप में डालो तो ये गोल हो गया, प्लास्टिक को अगर आप चौकोर वाले शेप में सांचे में डालोगे तो वो चौकोर शेप का पेन निकल के आएगा। टेबल, लैंप, जो भी कुछ आप लोगों को दिखता हो, चेयर है ना, कुछ भी आप लोग देखिए, सबका एक प्रॉपर शेप होता है और उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो शेप और वॉल्यूम में सॉलिड की बात अगर लेंगे तो इसका फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लेकिन पानी के केस में बेटा जी ऐसा नहीं होता, पानी में शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। कैसे, आप एक ग्लास पानी को कटोरे में रखिए, ग्लास में रखिए, लोटे में रखिए, बॉटल में रखिए, बाल्टी में रखिए, उसको जिस शेप में रखोगे बच्चा वो उसी शेप में ढल जाएगा, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, समझ में आया। इसको अगर आप सोचो कि चौकोर में रख दोगे तो ये गोल ही है, इसका फिक्स शेप है, ये गोल ही उसमें आएगा, वो पूरे के पूरे चौकोर में नहीं आ पाएगा, इमेजिन, समझ में आया। लेकिन पानी को आप जिस शेप में रखोगे उसी शेप का वो आकार लेता है। तो भैया लिक्विड में कोई भी फिक्स शेप नहीं होता लेकिन हाँ उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। हवा के बारे में बात करें, गैस के बारे में, तो भैया ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है और ना ही इसका शेप फिक्स्ड है, वो चारों एनवायरनमेंट में अपनी मर्जी से वो अपने तरीके से वो रहती है, गैस आपका एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर पर बाउंड्री, यार जिसके पार्टिकल पास है, जिसका फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाउंड्री भी हमको क्लियर डिस्टिंक्ट दिखेगी। कैसे डिस्टिंक्ट दिखेगी, कि मतलब एक ग्लास लीजिए, ग्लास में एक लेयर बालू की ले लो, एक लेयर मिट्टी की ले लो, एक लेयर कंकड़ की ले लो, सारे अपने अपने अलग अलग मैटर में सॉलिड है और सबको देखो अलग अलग आप डिस्टिंक्ट बाउंड्री मिला सकते हो। लेकिन पानी की बात पे आओ, पानी आप एक गंगा जल ले आओ, पानी एक आप नदी का पानी ले आओ, तालाब का पानी ले आओ, क्या आप इसमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज को समझ पाते हो, अलग अलग कर सकते हो, नहीं। उसमें शहद डाल, कुछ भी डाल दो यार, अलग से अगर लिक्विड को आप डाल रहे हो तो लिक्विड में प्रॉपर बाउंड्री देख नहीं पाएंगे हम लोग, पहचान नहीं पाएंगे। तो लिक्विड्स में नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री और गैस में तो बाउंड्री का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट आइए नेचर पे। बच्चा पार्टिकल्स चूंकि इतने पास पास है तो ये बड़े ही रिजिड होते हैं, है ना। कोई आप अगर इसकी बात करिए, देखिए ये रिजिड है, ये पेन रिजिड है, सीट आपकी रिजिड है, ये सब रिजिड बड़े हार्ड होते हैं, इसको दृढ़ मजबूत कहते हैं। तो जितने भी सॉलिड चीजें हैं वो रिजिड है और नॉन कंप्रेसिबल है, आप इसको दबाना चाहोगे भी तो ये नहीं दबेगा। समझ में आया? इसको अगर आप चाहो कि आप इसको दबा दो तो ये दबेगा। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा की बात नहीं करते, लेकिन सोचो कि दबा दो एकदम, वो नहीं हो सकता। समझ में आया? लेकिन लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा रेयर होते हैं बच्चे, उसमें थोड़ा बहुत चूंकि हवा हवा भर सकती है तो ये फ्लूडिटी नेचर के होते हैं। फ्लूडिटी का मतलब होता है जिनमें बहाव हो, जिनमें बहाव हो उनको फ्लूड नेचर कहते हैं। एंड दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब थोड़े तरीके से इसको हम लोग दबा सकते हैं, इनके पास कंप्रेसिबल नेचर होता है। गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर दूर है, तो भैया अगर दूर दूर है तो उनको हम लोग पास में लाकर दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते? बिल्कुल दबा सकते हैं, इसका मतलब इनके पास कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर पर अगर इसके पॉइंट की बात करें तो बॉलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, भैया जिसके पार्टिकल इतने पास पास होते हैं जाहिर सी बात है उनको तोड़ने में भी तो ताकत लगेगी, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अगर सॉलिड की बात करेंगे तो उनमें सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। सबसे लास्ट का टॉपिक आता है डिफरेंस में काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बेटू पार्टिकल्स एकदम पास पास है, कहां से मूव कर जाएंगे? हाँ, लेकिन अगर बात करो कि क्या पार्टिकल्स में मूवमेंट है, तो मूवमेंट नहीं है बच्चा, लेकिन ये एक ही जगह पर, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं, ये एक ही जगह पर अप डाउन करके वाइब्रेट करते हैं, एक ही जगह पर मूव नहीं कर पाते, हिलडुल नहीं पाते। जैसे अगर हमारी बात करें तो अपनी जगह पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट जरूर कर लेंगे, लेकिन सोचो कि हम इधर उधर मूव कर ले जाए तो ये सॉलिड में नहीं होता, ओनली दे कैन वाइब्रेट। समझ में आया? लेकिन लिक्विड और गैस में तो भैया ये लोग मूव कर जाते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ये मूव कर जाते हैं, और जिनमें मूवमेंट होता है उनमें काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। तो लिक्विड और गैस में काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत 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 कम होती है, या यूं कहो ना के बराबर होती है, और केवल सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते। समझ में आ गया ये कहानी? स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, वेरी गुड। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि क्या फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या मैटर का, तो हमारा आंसर होगा यस, उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, सीखे जरा। फेज जो स्टार्ट करना है हमको वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेजेस, इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग कहते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो डिफरेंट फेजेस आपने पढ़ी सॉलिड लिक्विड गैस, इनका क्या आपस में चेंज हो सकता है? तो हमारा आंसर है यस, इनका चेंज हो सकता है। सबसे पहले देखिए, सॉलिड से लिक्विड बदला और लिक्विड से गैस बदला, इस बदलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको देखो, सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। ये बात समझ में आई? सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। हिंदी में इसको कहते हैं, मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ? मेल्ट हो जाना, पिघल जाना, ये कहलाता है। और लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस कहलाती है वेपराइजेशन, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब किसी चीज का वाष्प भाप में बदलना कहलाता है। समझ में आया? तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में बदलाव हो गया। फिर सेकेंड नंबर पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक गैस से लिक्विड भी बन सकता है या फिर लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए, पानी है, पानी को आपने बर्फ में बदला, बर्फ से बर्फ को आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में लेके आए, वो लिक्विड में बदल गया, उसके बाद आपने उसमें गर्मी दी, वो भाप में बदल गया, यही सब तो चेंजेस देखते हो। गैस से लिक्विड वाला मैम नहीं समझ में आ रहा है। सोचो जरा, अगर आपने अपने घरों में दूध गर्माते होंगे आप लोग, पानी गर्माते होंगे आप लोग, तो उसमें ढक्कन लगा दीजिए, गैस को बंद करके उस पर ढक्कन लगा दीजिए। अभी तक क्या हो रही थी, जो उसके अंदर के वेपर्स थे वो एनवायरनमेंट में चले जा रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि जो उसके वेपर्स है वो उसी प्लेट में रह गए, और जैसे ही कूलिंग होती है, ठंडक होती है बेटा, वो वेपर्स लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। समझ में आया? फिर लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस, फ्रीज के अंदर आप, फ्रीजर के अंदर आप फ्रीजिंग कर देते हो, या उसी को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सभी को क्लियर हो गया? इसके बाद
सॉलिड से गैस बनने की प्रोसेस सब्लिमेशन और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनने की प्रोसेस सब्लिमेशन ही कहलाती है। इसका एग्जांपल मैम दीजिए। अच्छा लो भाई इसका एग्जांपल सब्लिमेशन का। आपने कैम्फर देखा है कपूर, बताओ भाई। इसके अलावा नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती है, वही बॉल्स जो घरों में कीड़े वीड़े मारने के लिए रखे जाते हैं ना, बक्से वगैरह में, अटैची में। या इसके अलावा आप लोग देखिए जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, घर में भी बेसिन वगैरह में डाल दीजिए तो एक इंसेक्टिसाइड होता है, कीड़ों को मारने का काम करता है, व्हाइट कलर की गोली होती है, अच्छी सी महक लगती है इसकी, वही बॉल्स है। इनमें क्या होता है, आप इनको जहां डालते हो थोड़े समय के बाद वो वहां से धीरे धीरे गायब हो जाती है, तो उस सॉलिड डायरेक्ट किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। और गैस से सॉलिड बनने का जो एग्जांपल है वो याद कर लो बच्चों, अमोनियम क्लोराइड, याद कर लो, अमोनियम क्लोराइड गैस को डायरेक्टली सॉलिड में बदला जा सकता है। ठीक है, ये तीन एग्जांपल। वैसे तो अभी हम आपको एग्जांपल फिर से लिखवाएंगे, बट इतने के लिए अभी याद कर लीजिए। अब ये चेंज कैसे हो सकते हैं, ये तो समझ में आ गया कि फेस ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये कैसे चेंज हो सकते हैं इसकी बात देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये चेंज हो सकते हैं बाय दो तरीकों से, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को बदलकर इनमें चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले सॉलिड से क्या बना, लिक्विड, और लिक्विड से क्या बना, गैस। कैसे बदलाव होते जरा इसको देखो। आपने टेम्परेचर का क्या किया, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए आपने आइस को फ्रीज से निकालकर बाहर रखा, यानी कि टेम्परेचर आपने बढ़ाया, बताओ। अब लिक्विड से गैस बनाने के लिए आपने पतीले में या फिर भगोने में आपने पानी रखा और गैस पर चढ़ाया, फिर से क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। तो यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनता है। अगर गैस से लिक्विड बनाना हो बच्चा, तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। जो पानी भाप बनकर उड़ रहा था उसको ठंडा कर दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड से अगर सॉलिड बनाना हो, यानी कि अगर पानी से बर्फ बनाना हो, तब भी आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, इसीलिए उसको हम लोग को फ्रीजर में रखना पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल जरा देख लें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आपने क्या लिया, आइस ले लिया, आइस से क्या बन गया, वॉटर बन गया, और वॉटर से क्या बन गया, वेपर्स बन गए। बोलो यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। सेकेंड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो बाई चेंजिंग प्रेशर, बाई चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर के बदलने से भी ये सब चेंजेस आते हैं। अब इनको देखते हैं कैसे आते हैं। बच्चा देखिए, गैस फिर उसको बदला लिक्विड में और लिक्विड को बदला सॉलिड में, ये प्रेशर को बदल के आप चेंज लाते हो। कैसे, सोचो जरा। जो गैसेस होती हैं, जो आप एक एग्जांपल सोचिए, एलपीजी, एलपीजी में क्या होता है कि जो ब्यूटेन होती है, प्रोपेन होती है, देखिए उसके हम कंपोनेंट आपको नहीं बता रहे कि एलपीजी में क्या क्या होता है, लेकिन एक बात सीख लीजिए कि जो आप लोग गैस सिलेंडर का यूज करते हो उसमें कई सारी गैसेस का मिक्सचर प्रेशर बढ़ाकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके लाया जाता है। यानी कि जो आपके सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है वो लिक्विड फॉर्म में भरी होती है। कैसे भरते हो बच्चा, प्रेशर बढ़ाकर ही तो भरते हो। तो आपने क्या किया कि गैस लिया, उसमें प्रेशर बढ़ाया और प्रेशर बढ़ाकर आपने उसको लिक्विड में बदल दिया, समझ में आया। और लिक्विड से सॉलिड भी बनाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अब इनके एग्जांपल्स देखो भैया, प्रेशर को इंक्रीज करके लिक्विड में बदलने का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है एलपीजी, सबसे बढ़िया एग्जांपल। इसके अलावा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से, ये तो प्रेशर आप इंक्रीज करके चेंजेस ला रहे हो, लेकिन अगर प्रेशर को डिक्रीज करके चेंजेस की बात करें तो एग्जांपल आपका आ जाएगा ड्राई आइस, इसी को हम लोग कहते हैं ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। आप अगर लोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे ही इस पर आप प्रेशर कम करते हो ना, प्रेशर कम करने पर वो लिक्विड में बदलता है, लिक्विड गैस में बदल जाती है। आप लोगों ने अपनी मौसी मामी किसी की भी शादी में अगर गए हो तो जयमाल पड़ने पर देखो, वहां बड़ा स्टेज पर बड़ा धुआं धुआं सा सुंदर सा व्हाइट कलर का दिखता है, वो क्या है, वो ड्राई आइस है, वो ड्राई आइस है। उसको प्रेशर बढ़ाकर सॉलिड में एनवायरमेंट की गैस को
एनवायरनमेंट की CO2 को प्रेशर बढ़ाकर सॉलिड में कन्वर्ट करके रखा जाता है, और जैसे ही प्रेशर हम लोग कम करते हैं वैसे ही वो लिक्विड और लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होकर चारों तरफ फैल जाता है। यही तो बात है यार जो आपको याद करनी है। तो आप लोगों ने अभी क्या समझा कि फेजेस कौन कौन सी ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब फेजेस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है और किनके कारण होता है। तो फेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है। उनकी प्रोसेसिंग आपको बता दिया कि मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। सो लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड बनने की प्रोसेस कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन कहलाती है। और कैसे होता है, तो बच्चा टेम्परेचर में चेंज करके और प्रेशर में चेंज करके हम लोग इन फेजेस को आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ लिया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को थोड़ा बहुत और बच रखा है, फिर उसको खत्म करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। तो इसको मन लगा के पढ़ते रहिए, छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से टॉपिक है जो आपको अगर क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम आप इसको भूलोगे नहीं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।